और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामशाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में महानदी में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को पानी देने के लिए अरबों रुपए से 6 बैराज बनाए गए हैं, ताकि बैराज के माध्यम से वर्षा की जल को रोककर संग्रहित कर सदुपयोग किया जा सके। मगर बैराज का यह मुद्दा दोनों ही राज्यों के बीच विवाद का कारण बन चुका है और मामला हाल ही में राज्यसभा में भी गूंज चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला? रामा बैराज के पास खड़े हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसे ही कई बैराज बनाए गए हैं। इसके पहले साराडीह बैराज है। इन्हीं बैराजों में पानी के रुकाव और ठहराव को लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में विवाद चल रहा है। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है और यही वो कारण है कि यहाँ पानी को रोकने से उड़ीसा में पानी नहीं जाने का विवाद उठ रहा है और यहाँ से उड़ीसा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, उड़ीसा का सीमा क्षेत्र जारी हो जाता है। इसके बाद, इस बैराज के बाद हीराकुड डैम पड़ता है जो उड़ीसा में आता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रामशाजर।